स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमारा कोर्स है एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग। और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। अभी तक हमने जितना भी फंक्शन के बारे में पढ़ा था वो सब के सब यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हमने देखा कि यूजर खुद से एक फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकता है। उसके अलावा हमने उसमें फंक्शन की टाइप्स देखी, जो कि दो टाइप्स थी, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक वेटिंग फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक प्रोग्रामर खुद से डिफाइन करता है, जबकि बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो पहले से पाइथन के अंदर डिफाइंड हैं, जिन्हें जस्ट हम कॉल करते हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम जस्ट उनको कॉल करके पैरामीटर पास करते हैं या जिस तरह की हमें आउटपुट चाहिए होती है हम उस तरह का फंक्शन कॉल करते हैं। हमने अभी तक यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़े, आज हम देखेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं और ये किस तरह से वर्किंग करते हैं और इनका मकसद क्या होता है यूज करने का। हर फंक्शन जो होता है किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे बिल्ट इन फंक्शन जो कि पाइथन में प्री डिफाइंड है। सबसे पहले है फंक्शन की बिल्ट इन फंक्शन की डेफिनेशन। बिल्ट इन फंक्शन अ फंक्शन विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज with the set of statements which together perform a task and it is called built-in function. So user need not create this type of function and can use directly in their program or application. Okay, इनका फायदा क्या होता है? कुछ functions जो बार बार यूज होते थे या जिनका यूज बहुत ज्यादा था वो पाइथन में या दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें डिफाइंड होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, वो हमें खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट उनको कॉल करते हैं, पैरामीटर्स पास करवाते हैं और वो अपना टास्क परफॉर्म करके हमें रिटर्न में आउटपुट देते हैं। हम जस्ट इनको कॉल करते हैं, हमें इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस ABS। द ABS मेथड returns the absolute value of the given number. If the number is a complex number, ABS returns its magnitude. Okay, जब हम मैथ के फॉर्मूला देखते हैं या हम मैथ को स्टडी करते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए EBS का एक फंक्शन यूज होता है जो कि प्री डिफाइंड है या बिल्ट इन फंक्शन है। EBS करता गया है, इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। इसको लिखने का सिंटैक्स ये है कि जस्ट हमने EBS, उसके बाद हमारे पास डाउन ब्रैकेट्स और यहाँ पे आर्गुमेंट जो होता है वो पास करवाते हैं।
अब इसको आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है और इसकी आउटपुट क्या आती है। ABS parameters, the ABS method takes a single argument. Okay, इसमें हम just एक value pass करवा सकते हैं। Okay, इसमें जो numbers हैं हमारे पास उनकी data type integer हो सकती है, float number जिनमें points आ जाता है वो, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा आ जाता है, हम वो वाली वैल्यूज इसको एज एन आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। और जो रिटर्न वैल्यू होती है या हमारे पास जो आउटपुट आती है इसमें, वो क्या आती है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। जो इंटीजर होगा उसमें रिटर्न में हमारे पास इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जो फ्लोट होगा उसमें फ्लोट की एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें हमें रिटर्न में मैग्नीट्यूड मिलती है उसकी। अब हम इसको भी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ ABS किस तरीके से डील करता है। हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स और इन एग्जांपल्स को हम अपने एडिटर के अंदर रन करके देखते हैं और इनकी आउटपुट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर के नेम से और उसको वैल्यू जो असाइन की वो है एक नेगेटिव वैल्यू, हमने -20 उसको असाइन कर दिया। देन हमने प्रिंट की कमांड दी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी, उसको कंकैटिनेट किया, ABS का फंक्शन कॉल किया और आर्गुमेंट में ये जो इंटीजर था इसको पास करवा दिया। अब इस इंटीजर के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, -20। अब जैसे ही ये ABS का फंक्शन कॉल होता है तो होता यह है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, जो -20 है उसका एब्सोल्यूट हमारे पास आता है 20, यानी ये जो नेगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर देते हैं आउटपुट में हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही रिटर्न होता है। और ये हमने एक इंटीजर दिया इसको, तो आउटपुट पे भी हमारे पास इंटीजर ही रिटर्न हुआ। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न होगा, और अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आउटपुट भी पॉजिटिव ही रिटर्न होगी। हम एक एग्जांपल देखते हैं फ्लोटिंग नंबर की, देन हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। स्टूडेंट्स, हमने एक इंटीजर लिया, सॉरी फ्लोट लिया, एक वेरिएबल हमने लिया जिसकी टाइप फ्लोट थी और हमने उसको असाइन किया -30.33 इसको असाइन कर दिया। अब ये एक फ्लोट नंबर है, इसमें पॉइंट है, और जब हम इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या आता है। हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी, स्ट्रिंग बनाई, उसको कंकैटिनेट किया, ABS का फंक्शन कॉल किया और आर्गुमेंट पास करवा दिया ये वेरिएबल फ्लोटिंग। अब आउटपुट में हमारे पास एक फ्लोट नंबर रिटर्न में आता है, बट वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है ना कि नेगेटिव, क्योंकि हमने ABS का फंक्शन कॉल किया और उस नंबर को
पास करवाया एज एन आर्गुमेंट, और रिटर्न में हमारे पास एक पॉजिटिव फ्लोट नंबर रिटर्न हुआ। सेम जैसे इंटीजर में अगर पॉजिटिव नंबर नहीं तो रिटर्न में भी पॉजिटिव आता है, इसी तरीके से फ्लोट में भी अगर हम पॉजिटिव नंबर देते हैं तो आउटपुट में भी पॉजिटिव आता है, और अगर नेगेटिव देते हैं तो उसका एब्सोल्यूट आता है जो कि एक पॉजिटिव नंबर होता है। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से काम करते हैं एबीएस फंक्शन के लिए। स्टूडेंट्स हमने एक वेरिएबल दिया और उसको असाइन कर दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास आयोटा होता है, जबकि पाइथन में हम उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथ में हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर है। हम एबीएस का फंक्शन कॉल करेंगे और देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या रिटर्न होता है। हमने प्रिंट की स्टेटमेंट दी, स्ट्रिंग लिखी, कंकैटिनेट किया एबीएस का फंक्शन, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये हमने पास करवा दिया। अब आउटपुट में हमारे पास 5.0 रिटर्न होता है। अब ये किस तरह से वर्क करता है, ये इसकी मैग्नीट्यूड लेता है। अभी हम इसको देखते हैं, स्टूडेंट्स हम अंडर रूट लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है, अंडर रूट 3/2 प्लस माइनस 4/2, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 और उसका अंडर रूट। हमारे पास ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड के लिए बैकएंड पे ये फॉर्मूला जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अब जैसे ही 3 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू 9 बनती है, और माइनस 14 का स्क्वायर हमारे पास 16 बनता है, और ये हो जाता है 25। 25.0 या फिर 25। जैसे ही हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो 25 का अंडर रूट हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 5.0 रिटर्न होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस या मॉड हमारे पास इस तरीके से इस फॉर्मूले से उसकी आउटपुट आती है। तो बैकएंड पे इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके लिए। अब स्टूडेंट्स हमने देखा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है
एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करते हुए हम किस तरीके से इनके आउटपुट ले सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो कि एक बिल्डिंग फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है एनी। अब एनी क्या करता है, द एनी मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ एनी एलिमेंट ऑफ एन आइटरेबल इज ट्रू, इफ नॉट एनी रिटर्न्स फॉल्स। हमारे पास जो आइटरेबल होते हैं वो लिस्ट है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है और टपल्स होते हैं। अगर उसमें कोई वैल्यू ट्रू हो तो आउटपुट में हमारे पास जो रिटर्न होता है वो ट्रू रिटर्न होता है, और अगर वैल्यू फॉल्स हो और कोई भी वैल्यू ट्रू ना हो तो आउटपुट में हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है, या जो हमारा आइटरेबल है वो एम्प्टी हो उस सूरत में भी हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू है वो फॉल्स होती है। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि एनी किस तरीके से वर्क करता है। इसका सिंटैक्स ये होता है, जस्ट हम एनी का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स और उसमें हम अपना आर्गुमेंट पास करवाते हैं, जो कि एक आइटरेबल होता है, लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है या फिर डिक्शनरी भी हो सकती है। ओके, रिटर्न में हमारे पास ट्रू या फॉल्स आता है, तो आउटपुट है वो हमारे पास या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। जब हम एनी का फंक्शन कॉल करते हैं और आर्गुमेंट हम एक आइटरेबल पास करवाते हैं, अगर सभी वैल्यूज जो हैं वो फॉल्स हों तो आउटपुट में फॉल्स रिटर्न होता है, एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू हो तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू रिटर्न होता है, अगर सभी वैल्यूज जो हैं वो ट्रू हों देन हमारे पास ट्रू रिटर्न होता है, और अगर एम्प्टी हो हमारा जो आइटरेबल है, जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारे पास लिस्ट है या डिक्शनरी है, तो एम्प्टी हो तो आउटपुट में हमारे पास फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है। आगे चल के हम एक चार्ट देखते हैं, देन हम इसकी एग्जांपल देखते हैं रन करके। ट्रू कब रिटर्न होता है, ऑल वैल्यूज आर ट्रू, जब तमाम वैल्यूज ट्रू हों। अभी देखेंगे हम ट्रू वैल्यूज कौन सी होती हैं। उसके बाद ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, क्या रिटर्न होता है, फॉल्स, वन वैल्यू इज ट्रू अदर आर फॉल्स, क्या रिटर्न होता है, ट्रू। ये जो केस हैं, ये दो केस हमारे पास, ये डिक्शनरी में हम इनको डिस्कस करेंगे। वन वैल्यू इज फॉल्स अदर आर ट्रू, तो क्या होता है हमारे पास, रिटर्न ट्रू होता है। एम्प्टी आइटरेबल फॉल्स, इस सूरत में क्या होता है हमारे पास, फॉल्स रिटर्न होता है। अभी ये एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसको ऑडिटर में ड्राई रन करके देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास किस तरीके से आउटपुट आती है। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट आर्टिकल था उसमें फर्स्ट वैल्यू ट्रू थी, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू और फोर्थ जो है वो फॉल्स है। जो नंबर्स होते हैं उसमें जीरो हमेशा फॉल्स कंसीडर किया जाता है, जीरो से बड़ी वैल्यू हो या नेगेटिव उसको हम ट्रू ही कंसीडर करते हैं। हमने प्रिंट की कमांड दी एनी और उसके बाद
जो हमारे पास लिस्ट एल थी उसको एज एन आर्गुमेंट पास करवाया। अब इसमें तीन वैल्यूज हमारे पास ट्रू हैं और एक फॉल्स है। जबकि हमने टेबल में देखा था कि अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू रिटर्न होता है। तो जो फर्स्ट वाला कोड है इतना चंक, इसकी आउटपुट हमारे पास ट्रू आती है। उसके बाद हमने एक और लिस्ट बनाई जिसमें हमने एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करवाई और एक फॉल्स कीवर्ड रिटर्न करवाया। अब ये लिस्ट में दो वैल्यूज हैं जो कि दोनों ही क्या है, फॉल्स। हमने टेबल में देखा था कि अगर तमाम वैल्यूज फॉल्स हों या जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो तो आउटपुट में हमारे पास क्या रिटर्न होता है, फॉल्स। अब जो ये वाला चंक है हमारे पास, इसकी आउटपुट क्या आती है, फॉल्स। अगर हम इस जीरो को माइनस वन करते हैं तो देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आउटपुट में ट्रू आता है। अब हम इसको वन करके देखते हैं, अभी भी हमारे पास वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो ट्रू है। इसको जीरो करके देखते हैं, वैल्यू फॉल्स रिटर्न होती है। अब इस फॉल्स को हम ट्रू करके देखते हैं, वैल्यू हमारे पास ट्रू रिटर्न होती है। अब इस लिस्ट के अंदर एक वैल्यू जो है हमारे पास वो ट्रू है। अभी हमने टेबल में देखा कि अगर एक वैल्यू भी लिस्ट के अंदर ट्रू हो तो आउटपुट में हमारे पास जो रिटर्न होता है वो ट्रू रिटर्न होता है, और अगर सभी वैल्यूज फॉल्स हों या फिर हमारे पास जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो तो हमारे पास आउटपुट में फॉल्स रिटर्न होता है। अभी जो नेक्स्ट चंक है उसमें हमारे पास एक ट्रू है और बाकी जो वैल्यूज हमारे पास फॉल्स हैं तो उसके आउटपुट भी हमारे पास ट्रू रिटर्न होती है। जो फोर्थ एग्जांपल है, ये वाला जो चंक है हमारे पास कोड का, ये एक एम्प्टी लिस्ट है और हमने टेबल में देखा था जो एम्प्टी लिस्ट होती है उसकी आउटपुट फॉल्स आती है, इसके आउटपुट फॉल्स है। हमने देखा कि एनी का फंक्शन एक लिस्ट के लिए किस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि एक स्ट्रिंग के लिए एनी का फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक स्ट्रिंग बनाई एस के नेम से और उसमें एक स्ट्रिंग जो थी वो एस को हमने असाइन कर दी। अब जैसे ही हम प्रिंट की स्टेटमेंट देते हैं और एनी और उसमें ये स्ट्रिंग या आइटरेबल पास करवाते हैं तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू आता है। किस सूरत में हमारे पास फॉल्स आता है, या तो स्ट्रिंग फॉल्स हो या फिर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी हो। अब इस सूरत में स्ट्रिंग हमारे पास एम्प्टी नहीं है इसलिए आउटपुट में हमारे पास जो रिटर्न हुआ वो ट्रू रिटर्न होता है। तो सेकंड एग्जांपल जो है उसमें भी हमारे पास ट्रू रिटर्न होता है। जब हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू या स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए एस अभी भी एक स्ट्रिंग है। और जब इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद एनी का फंक्शन कॉल करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास अगेन ट्रू आता है। जो थर्ड चंक है उसमें हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब एम्प्टी स्ट्रिंग पे हमने देखा था, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या हमारे पास डिक्शनरी हो तो आउटपुट में फॉल्स आता है। इस सूरत में हमारे पास वैल्यू रिटर्न होती है वो फॉल्स है।
स्टूडेंट्स, अगर हम एक इंटीजर के लिए एनी फंक्शन को यूज करते हैं, देन हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। अब जो s है, हमारे पास एक इंटीजर है या एक वेरिएबल है जिसमें एक नंबर स्टोर है 0। अब इस सूरत में हमारे पास आउटपुट में एक एरर शो होगा। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ओके स्टूडेंट्स, ये एनी का फंक्शन है, वो जस्ट किसके लिए काम करता है? आइटरेबल या हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर हैं उनके लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रिंग की एग्जांपल को देखा कि कब हमारे पास ट्रू रिटर्न होता है, कब हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है, और अभी हम देखते हैं कि डिक्शनरी की सूरत में हमारे पास ट्रू और फॉल्स कब रिटर्न होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास एक इंटीजर की है और उसके अंदर वैल्यू बड़ी है फॉल्स, और हमने प्रिंट की स्टेटमेंट दी, एनी का फंक्शन कॉल किया और हमारी जो डिक्शनरी थी उसको एज एन आर्गुमेंट पास करवा दिया। अब आउटपुट जो है हमारे पास, आउटपुट में हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें इंटीजर की है और उसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो फॉल्स की है। देन हमारे पास इंटीजर की है और उसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो ट्रू की है। इस सूरत में हमारे पास ट्रू रिटर्न होता है। जो थर्ड हमारे पास एग्जांपल है इसकी, या जो चंक ऑफ कोड है, उसमें हमारे पास 0 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? फॉल्स, और फॉल्स के अंदर 0। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होता है? फॉल्स रिटर्न होता है। जो फोर्थ है, उसमें एक एम्प्टी डिक्शनरी है, उसमें हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है। जो लास्ट वाली है डिक्शनरी, उसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग कीवर्ड है और एक स्ट्रिंग की है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है। इस सूरत में हमारे पास ट्रू रिटर्न होता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। हम जाते हैं दोबारा चार्ट की तरफ, जो टेबल हमने देखा था उसकी तरफ। हमने एक टेबल में देखा था वन वैल्यू इज ट्रू अदर आर फॉल्स। अब जो की है हमारे पास इसमें, अगर वो ट्रू होगी उसके अंदर फॉल्स वैल्यू भी पड़ी है तो रिटर्न हमारे पास क्या होगा? ट्रू। और अगर हमारे पास जो की है वो फॉल्स है और उसके अंदर ट्रू वैल्यू पड़ी है तो रिटर्न क्या होगा? ट्रू। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी की है वो एक फॉल्स वैल्यू है, 0 एक फॉल्स वैल्यू होती है, उसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है वो ट्रू है। अब इस सूरत में क्या होता है, हमारे पास जो रिटर्न होता है वो फॉल्स रिटर्न होता है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक की है जो कि एक नंबर की है और इसके अंदर स्ट्रिंग जो पड़ी है वो फॉल्स है, और ये हमारे पास एक ट्रू नंबर की है जिसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग पड़ी है ट्रू की। इस सूरत में हमारे पास रिटर्न क्या होता है? ट्रू। अगर हम इसको एम्प्टी भी करते हैं तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा? ट्रू। अभी भी हमारे पास
रिटर्न क्या हो रहा है, ट्रू। इसमें हमारे पास इस नंबर की को देखा जाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, आउटपुट में हमारे पास रिटर्न क्या होगा, ट्रू। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक नंबर की है जिसको हमने असाइन किया है फॉल्स, और एक कीवर्ड फॉल्स है जिसको हमने असाइन किया है जीरो। अब इस सूरत में क्या होता है, आउटपुट में हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ये की भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, इसलिए आउटपुट में हमारे पास रिटर्न क्या होता है, फॉल्स। अब हमने इस फॉल्स को क्या असाइन किया है, जीरो। अब हम वन असाइन करके देखते हैं और आउटपुट में देखते हैं क्या रिटर्न होता है। अगेन फॉल्स रिटर्न होता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं जो कि एम्प्टी है। अब उस सूरत में क्या होता है, ये जो चंक है इसके आउटपुट हमारे पास फॉल्स आती है, क्योंकि जो डिक्शनरी है हमारे पास वो भी फॉल्स है। अब हम आते हैं लास्ट चंक की तरफ। हमारे पास ये जो जीरो है ये एक स्ट्रिंग है, ये जो की है हमारे पास एक स्ट्रिंग है या करेक्टर है, इसको हमने असाइन किया है फॉल्स। और हमने देखा था स्ट्रिंग के एग्जांपल में कि जो स्ट्रिंग होती है उसमें जीरो वन टू थ्री कुछ भी हो वो क्या होता है, ट्रू होता है। हम इस सूरत में आउटपुट हमारे पास ट्रू आती है।